गोरखा हित सर्वोपरि। दार्जिलिंग में 21 गोरखा समुदाय ने एकत्रित होकर गोरखाली जाति के 11 समुदायों को जनजाति की सूची में रखने के लिए एवं पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे शेरपा को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान करने की मांग को लेकर विशाल एकता रैली का प्रदर्शन किया। यूनाइटेड गोरखा कम्युनिटी फोरम के तत्वाधान में 3 सूत्रीय मांग के लिए आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में जनमानस की उपस्थिति रही। समारोह में बोलते हुए शेरपा संगठन के उपाध्यक्ष पीटी शेरपा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में 11 गोरखा जनजाति को एसटी स्टेटस प्रदान करने की बात कही थी, जिसको लेकर अब तक किसी भी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने मौजूदा शीतकालीन संसदीय सत्र के माध्यम से सदन के पटल में गोरखा समुदाय के 11 जनजातियों को जनजाति का दर्जा दिलाने संबंधी विधेयक पारित करने की दिशा में केंद्र सरकार से भी गुजारिश की। संसद के जारी संसदीय सत्र में लोकसभा सांसद राजू बिष्ट एवं राज्यसभा सांसद शांता छेत्री द्वारा भी लगातार इस मुद्दे की अनदेखी की बात भी शेरपा ने कही। रैली में सहभागी सभी जनमानस ने एक सुर में दार्जिलिंग के पिता तुल्य समझे जाने वाले महान पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे शेरपा को जल्द से जल्द भारत रत्न प्रदान करने की मांग भी एक सुर में की है। साल 2012 में संसद में एक विधेयक पारित किया गया था, जिसमें तेंजिंग नोर्गे शेरपा एवं ध्यानचंद को भारत रत्न अवार्ड प्रदान करने के विषय में प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद अब तक अवार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और प्रदान किया नहीं गया, जो कि दुखद विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के क्रम में जब सिलीगुड़ी आए थे, तब भी उन्होंने तेंजिंग नोर्गे शेरपा को भारत रत्न प्रदान करने की बात कही थी, जो अब तक जमीनी हकीकत नहीं बन पाया है। हालांकि सचिन तेंदुलकर के साथ साथ तेंजिंग नोर्गे शेरपा का नाम भी अवार्ड में शामिल था और उनका नाम सिफारिश में डाला गया था, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया, वहीं तेंजिंग नोर्गे शेरपा को अभी तक यह सम्मान नहीं दिया गया है। 29 मई 1953 में पहली बार तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने दुनिया भर में प्रसिद्ध होने के क्रम में संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जिसके बाद से ही उनको भारत रत्न देने की मांग समय समय पर उठती रही है।